गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. सो हियर आई एम मेकिंग ए वीडियो हाउ टू जॉइन इन गूगल क्लासरूम एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो हाउ टू सबमिट योर आंसर शीट इन गूगल क्लासरूम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जॉइन इन गूगल क्लासरूम. सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर इन योर मोबाइल. देन यू विल सर्च देयर गूगल क्लासरूम. Google Classroom. Then after searching, you will find an app named Google Classroom. Then you will install it. Here, as I have already installed in my mobile, so it is going to open. If you have not installed that app in your mobile, then it will show you to install. Then you will install. After that, you will go to the app. I have already an app Google Classroom, but I have made a dual copy, this one for you to show you how to join. So now I am going to open my new classroom. Okay, I opened. Then you will find such an interface, get started. Then you will tap on get started. Then all your mail IDs will be shown here. If your mail IDs are not shown here, then you will select add account, then you will add your mail ID here. Otherwise, if your mail IDs are being shown here, then you will select one of your mail ID. Okay, now I am going to select one of my mail ID. I have selected this one. Then you have to tap OK. After that, पहले हमको क्या करना पड़ रहा था, क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए हमको क्लास कोड एंटर करने के लिए ज़रूरत पड़ता था. लेकिन अभी जो नया वर्सन आ गया है उसमें आपको क्लास कोड का ज्वाइन करने के लिए क्लास कोड को एंटर करना नहीं पड़ेगा. आप क्या करोगे, सिंपल यू विल गो टू व्हाट्सएप ग्रुप. देन यू विल फाइंड द लिंक टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. For example, I am going to 3A group. There is a link to join in 3A Hindi group. If I will click on that link, then I will tap on classroom. Then here two classroom apps are being shown to me. As I have two classroom apps, but you will find only a single app, classroom app, then you have to select that one. Okay, then after selecting that, you will be asked to join class. Here is an option in blue color to join class, so you have to tap on that join class. Then after tapping on join class, you will be get joined automatically in the class. देन टीचर लोग जितने भी यहाँ पे मटेरियल, टेस्ट, असाइनमेंट जो भी भेजे होंगे ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ओके, अभी हम कैसे सबमिट करेंगे हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, न्यू असाइनमेंट करके कुछ दिखा रहा है. 5 अगस्त को भेजा गया था, न्यू असाइनमेंट करके दिखा रहा है. आपको जो हम क्वेश्चन भेजेंगे वो आपको असाइनमेंट के रूप में दिखाई देगा, न्यू असाइनमेंट करके दिखाई देगा. यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू असाइनमेंट हिंदी टेस्ट, 3A के हिंदी बच्चे ने 5 अगस्त को एक एग्जाम दिए थे हिंदी का, इसलिए उनको दिखाई दे रहा है. ओके, अभी आप उसको क्लिक करोगे. क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा. फिर आप क्या करोगे, नीचे जो एरो मार्क है, नीचे जो एरो मार्क है उससे क्लिक करोगे. अच्छा, पहले वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे. यहाँ पे हिंदी लिखा है, हिंदी टेस्ट 3 टेस्ट लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा. क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा. तो ये क्वेश्चन पेपर को देखकर आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में जो भी पेपर में आप लिखना चाहते हो एग्जाम को, वो पेपर में आप लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे, नहीं तो जो पेपर में आप लिखना चाहते हो उसे लिखोगे. लिखने के बाद बैक करोगे,
बैक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक एरो मार्क दिखाई देगा। देखो यहाँ पे नीचे एक एरो मार्क दिखाई दे रहा है, तो एरो मार्क पे क्लिक करोगे। एरो मार्क में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा एड अटैचमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। एड अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, आप उसे क्लिक करोगे। एड अटैचमेंट, एड अटैचमेंट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल रहा है ना आपको ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फोटो, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप फोटो लेके अपलोड करना चाहते हैं तो टेक फोटो कर सकते हैं। टेक फोटो करने के बाद आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप कैमरा में वो आप जो लिखे होंगे उसको आप अच्छी तरह से एक फ़ोटो उठाएंगे। उठाने के बाद टिक करोगे, टिक मार को, टिक करने के बाद वो अपलोड हो जाएगा इसमें। अपलोड हो गया। अगर आपके पास पहले ही है, आप पहले ही फ़ोटो उठा लिए हो, तो आप एड अटैचमेंट पे जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, फाइल को क्लिक करोगे। फाइल को क्लिक करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा। फिर आप इमेज पे क्लिक करोगे। इमेज को क्लिक करने के बाद आप जो फ़ोटो उठाए हो वो फ़ोटो आपके पास आ जाएगा। अगर आप फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो इसमें सिलेक्ट करके आप भेजोगे, आप जो पहले लिखे हैं। नहीं, अगर आप पीडीएफ बना चुके हैं तो आप जिस फोल्डर में आप वो पीडीएफ बना के रखे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप जाओगे जिस फोल्डर में आपका है। अगर मैं एक फोल्डर बना दिया हूँ डॉक्यूमेंट करके, उसमें मैं रखा हूँ उसको, वो पीडीएफ बना के, तो जहाँ पे भी आप रखे होंगे वहाँ पे आप जाएंगे। जाने के बाद वो जो पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल मैं ये पीडीएफ अपलोड करूँगा। जो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे, आप पहले बना चुके होंगे, वो पीडीएफ को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो अपलोड हो जाएगा। तो इसमें आपको एक ही बार अपलोड करना है। आप लिखोगे, लिखने के बाद पीडीएफ बनाओगे, एक ही पीडीएफ बनाओगे और एक ही पीडीएफ को अपलोड करोगे, तो वो एक बार अपलोड होगा। एक बार अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको हैंड इन दिखा रहा है, तो जिनके मोबाइल में हैंड इन दिखा रहा है वो हैंड इन पे क्लिक करेंगे। और किस किस मोबाइल में दिखाता है टर्न इन, तो जिनके मोबाइल में टर्न इन दिखा रहा है वो टर्न इन पे क्लिक करेंगे। मेरे मोबाइल पे अभी हैंड इन दिखा रहा है, मेरा फाइल भी अपलोड हो गया है, मैं एक फ़ोटो अपलोड किया, पीडीएफ अपलोड किया। लेकिन आप दोनों अपलोड नहीं करेंगे, आप फोटो करेंगे नहीं तो पीडीएफ करेंगे। अगर आप पीडीएफ बनाना आता है तो पीडीएफ बना के करेंगे, तो वो एक ही पीडीएफ में रह जाएगा सारे आंसर शीट। अगर आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको बार बार एड अटैचमेंट करना पड़ेगा। जितना फोटो कॉपी आप बनाए हो, लिखे हो फोटो कॉपी, उतना फोटो कॉपी आपको एड कर कर करके यहाँ पे प्लस जो है एड अटैचमेंट है, एड अटैचमेंट आपको एड करना पड़ेगा। तो सारे फोटो एड होने के बाद, नहीं तो अगर आप पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में जैसे दिखाया आपको उस तरह पीडीएफ अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे कि मेरे को भी दिखाई दे रहा है मेरा पीडीएफ अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे अभी हैंड इन ऑप्शन आ रहा है, तो किस किस मोबाइल में हैंड इन आता है, किस किस मोबाइल में टर्न इन आता है, जो भी आता है। अगर यहाँ पे हैंड इन आता है तो ठीक है, टर्न इन भी ठीक है। जहाँ जो भी आता है उसको आप टैप करोगे, मतलब क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर हिंदी टेस्ट। तो यहाँ पे मैं फोर क्लिक किया हूँ, फोर अटैचमेंट में अपलोड किया हूँ, इसीलिए फोर अटैचमेंट दिखा रहा है। आप अगर एक ही अटैचमेंट करेंगे पीडीएफ बना के तो आपको एक ही दिखाई देगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मैं भेजा हूँ वो भी एक अटैचमेंट में काउंट हो रहा है, इसलिए फोर दिखा रहा है। मैं दो फोटो किया हूँ, एक पीडीएफ किया हूँ, और मेरा क्वेश्चन जो मेरे टीचर मुझे भेजे थे वो दिखा रहा है। टोटल मिला के फोर दिखा रहा है। अगर आप एक पीडीएफ अपलोड करेंगे तो एक पीडीएफ काउंट होगा वन, फिर आपका क्वेश्चन पेपर काउंट होगा दो दिखाई देगा। टू अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर हिंदी टेस्ट दिखाई देगा। अगर आप इमेज करोगे तो जितना इमेज आप सिलेक्ट करोगे फोटो प्लस वन आपका क्वेश्चन पेपर मिला के आपको दिखाई देगा, उतना अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर हिंदी टेस्ट दिखाई देगा। फिर आप सबमिट कर दोगे। मैं पहले सबमिट कर दिया था, अभी मैं रीसबमिट करूँगा। रीसबमिट करने के बाद वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको दिखाई देगा ऑन सबमिट। ऑन सबमिट करने से वो वापस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऑन सबमिट में कुछ नहीं करोगे, सबमिट करने के बाद आपका काम हो गया।
जैसे कि मैं पहले सबमिट कर दिया था इसलिए मुझे रिसबमिट दिखाया, फिर से मैं कुछ पीडीएफ भेजा, ठीक है। जैसे कि अगर आप भेज रहे हैं तो एक पीडीएफ अगर नहीं आया है तो रिसबमिट करने का ज़रूरत होता है, तो आप तो एक ही साथ में सब भेज दोगे, आपको रिसबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सबमिट दिखाएगा उसमें आपको ऑप्शन, आप सबमिट ही करोगे, एक ही बार करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग करेक्शन करके आपको एवेलेबल कॉपी भेजेंगे, तो आपको मेल में आपको दिखाई देगा आपका कितना मार्क है विथ योर इवेलुएटेड कॉपी, आपको दिखाई देगा। आप जाके गूगल क्लासरूम में फिर उसको चेक करेंगे टीचर लोग कहाँ पे कैसे मार्क दिए हैं। आप यू कैन व्यू ऑल द डिटेल्स इन गूगल क्लासरूम, यू विल गेट योर इवेलुएटेड कॉपी। थैंक यू ऑल।